हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सो ये है पिजन का ओटीजी और ये मोस्ट बजट ओटीजी में से एक है। इसका प्राइस है ओनली 4,500 रुपीज और 4,500 में यहाँ पर आपको रोस्टरी का फीचर देखने को मिल रहा है। आप देख ही सकते हो, गोल गोल घूमता रहेगा और खाना पकता रहेगा। इस प्राइस रेंज में ये पहला ओटीजी है। 5,500 के नीचे अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा बजट ओटीजी है जिसमें आपको ये फीचर देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसका कैपेसिटी है 30 लीटर्स और जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है कम्पेयर टू प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इसलिए ये वाला ओटीजी मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। इसलिए आज करेंगे हम लोग इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो मेरे आज के रिव्यू के बाद अगर आपको ये ओटीजी पसंद आए तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन से परचेज करोगे तो मेरा हेल्प हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऐसा है प्रिजन ओटीजी का बॉक्स और इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ है। सेम ऐसा ही दिखता है अपना ओटीजी और यहाँ पर आपको 4 स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इसमें बेक कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, कुक एंड हीट कर सकते हो खाने को, और साथ में आप रोस्ट भी कर सकते हो इसमें। और अगर आप बॉक्स के दूसरे साइड देखोगे तो इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है कि इसके अंदर आपको क्या एक्सेसरीज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने प्रिंट कर रखा है अपना मॉडल नेम, कैपेसिटी और इस पैकेजिंग के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है। और आप इसका एमआरपी प्राइस देख सकते हो 7,895 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा सिर्फ 4,500 रुपीज का। ऑफर्स के अकॉर्डिंग कभी कभी 500-600 रुपए बढ़ जाता है। 1,600 वॉट पावर कंजप्शन है इसका। और साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने एड्रेस को भी रिप्रेजेंट कर रखा है और अपने कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अगर कोई इश्यू हो तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तीसरे साइड इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल रहा है और 30 लीटर्स इसका कैपेसिटी है। और अमेजोन पे आपको वारंटी एक्सटेंड का फीचर देखने को मिल रहा है। सो अगर आप 161 रुपीज दोगे तो आप 1 ईयर का वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो, तो 2 ईयर्स का वारंटी हो जाएगा। और अगर आप 348 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे तो 2 ईयर्स का वारंटी आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो इस पे आपको 3 ईयर्स का वारंटी देखने को मिल जाएगा। और चौथे साइड में इन्होंने अपने यूजर गाइड को प्रिंट कर रखा है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में ही आपको बताऊंगा। और नीचे इन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर को भी प्रिंट कर रखा है, अगर कोई इश्यू हो तो आप इन्हें टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। सो अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो वाओ, आप देख ही सकते हो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सही लगा मुझे। सो ओटीजी आ चुका है बाहर, आप देख सकते हो ऐसा दिखता है अपना ओटीजी। आप देख सकते हो ये है रोटेटिंग रॉड, इसके अंदर आपको चिकन, पनीर, सब्जी फंसा देना है। उसके बाद ये धीरे धीरे घूमता रहेगा और खाना पकता रहेगा। आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसके साइज को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगे। और ये है रोटेटिंग रॉड का हैंडल, ऐसे फंसा के आपको अंदर से बाहर निकालना है। सीधा डायरेक्ट हाथ से थोड़ी उठाओगे, आप हाथ जल जाएगा। और ये है हैंडल, इस हैंडल के हेल्प से आपको ग्रिल को उठाना है। आप देख सकते हो ऐसा आपका ग्रिल फंस जाएगा इसमें। ग्रिल का क्वालिटी काफी अच्छा है, स्टेनलेस स्टील आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये है ट्रे, ट्रे को भी आपको सेम ऐसे ही उठाना है, ट्रे भी फंस जाएगा इसमें इजीली। और इस ट्रे का क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कुछ कुक करते हैं तो खाना इस ट्रे में चिपक जाता है और निकलता भी नहीं है, धोने पर भी नहीं निकलता है, वो चिपकी चिपकी सा रह जाता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस ओटीजी का कि इसका वायर बहुत छोटा है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा छोटा वायर है इसका। सो वायर का लेंथ काफी ज्यादा छोटा लगा मुझे। और ओटीजी के फ्रंट साइड पे आपको ग्लास देखने को मिल रहा है, और इन्होंने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस टाइप का ग्लास आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी ग्लास शायद उतना मजबूत ना हो, आपको थोड़े संभाल के इसे खोलना बंद करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 2 रॉड देखने को मिल रहा है, नीचे 2 है, ऊपर 2 रॉड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 3 स्टेजेस देखने को मिल रहा है। अगर आप नीचे का रॉड जलाओगे तो आपको नीचे रखना है अपने ट्रे को, अगर आप ऊपर नीचे का रॉड जलाओगे तब आपको बीच में रखना है ट्रे, और अगर आप ऊपर का रॉड जलाते हो तब आपको ऊपर रखना है ट्रे, और अगर आप इसमें बेकिंग करना चाहो तब आपको ऊपर नीचे का रॉड जलाना है और ट्रे बीच में रखना है। लेकिन बेक करने से पहले आपको ओटीजी को प्री हीट करना है 200 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए। लेकिन खाना गरम करने के लिए आपको प्री हीट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बर्तन के साथ खाना अंदर रख सकते हो। और आप देख सकते हो ओटीजी के साइड में हीट एग्जॉस्ट के लिए इन्होंने छोटे छोटे गैप दे रखा है। सो आपको ओटीजी को दीवार के साथ सटा के नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा। और आप ओटीजी के पीछे भी देख सकते हो इन्होंने एक छोटा सा स्टैंड प्रोवाइड किया है, ताकि आप चाहकर भी ओटीजी को दीवार से चिपका के ना रख सको, थोड़ा दूरी आपको रखना पड़ेगा। जो सबसे ऊपर वाला
रॉड है इसके अंदर के रोटेटिंग को कंट्रोल करने के लिए है। रोटेटिंग रॉड है वो घूमता रहेगा। फैन का फीचर्स आपको इस ओटीजी में देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप दूसरे नॉब की तरफ देखोगे तो ये है टेम्परेचर कंट्रोल कि आपको कितने डिग्री में खाना गर्म करना है। और ओटीजी का तीसरा नॉब है इसके हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। आप देख सकते हो ड्रॉइंग भी बना हुआ है। ऊपर लाइन है मतलब ऊपर वाले रॉड के लिए, नीचे लाइन है मतलब नीचे वाले रॉड के लिए, और अगर ऊपर नीचे लाइन है मतलब ऊपर नीचे रॉड के लिए। जो रॉड आप जलाना चाहो आप वैसे इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे नीचे वाला है टाइमर का। इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आप अगर एक बार टाइम सेट कर दो उसके बाद ये ऑफ नहीं होता है, टाइमर ऑफ नहीं होता है। लेकिन आप ओटीजी को ऑफ कर सकते हो, आप रॉड को ऑफ ऑन कर सकते हो, जिस वजह से आप ओटीजी ऑफ कर सकते हो, लेकिन आप टाइमर को रीसेट नहीं कर सकते। अगर आप एक बार सेट कर देते हो टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो लेकिन आप टाइमिंग कम नहीं कर सकते। बेकिंग पोटेट्स बनाने के लिए 25 से 30 मिनट्स का टाइम आपको इसमें लग जाएगा। और नीचे आपको लाइट का फीचर देखने को मिल रहा है, और ये लाइट भी काफी ज्यादा डिम होता है रात को, मतलब दिखता ही नहीं है कि लाइट जल रहा है नहीं जल रहा। सो ये एक डिसएडवांटेज लगा मुझे इसमें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।